हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली अभी रात के 2:13 हो रहे हैं और विप्रो ने फाइनली जो लोग का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था उन लोगों का मेल आ चुका है। जैसे मेरा आ चुका है विप्रो बोर्डिंग पास का मेल, और बहुत लोगों का रिजेक्शन मेल भी आया था इससे पहले। और जिन लोगों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छे से कम्प्लीट हो गया, मतलब कि उन्होंने अपना सारा डिटेल्स जो है सब कुछ सही से फिलअप किया था, उन लोगों का इस तरह का आपको मेल देखने को मिल जाएगा कि ये आया है आपका कैंपस एचआर टीम विप्रो, देख सकते talent.icmi.com। ठीक है, तो ये विप्रो का बोर्डिंग पास है और ये मुझे मेल आई है अभी जस्ट 1:47 AM पे 25 मिनट्स पहले। ठीक है, तो चलिए इस पर डिटेल्स में बात करते हैं। तो देखेंगे, तो यहाँ मैं नाम लिखा हुआ डेट बाबू मेरे पास, ये थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ विप्रो, प्लीज़ फाइंड बिलो द डिटेल फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रेज्यूमे नंबर है, इवेंट नेम एलियट, नेशनल टैलेंट हंट फाइनल ईयर 2021। ठीक है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी बिलो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू अटेंड द ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है, तो ये फाइनली ये तो ऑनलाइन ही होगी, मैं डिटेल्स बताऊंगा आपको। ठीक है, ये वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। देखिए, तो पहला आपको बोला गया बोर्डिंग पास, प्लीज डाउनलोड द बोर्डिंग पास बाय क्लिकिंग हेयर बोर्डिंग पास। ठीक है, दूसरा है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, इनकेस अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट का ओरिजिनल आई डी कार्ड लाइक पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और यहाँ देखेंगे तो बिफोर यू स्टार्ट विद असेसमेंट, प्लीज़ इंश्योर टू फुलफिल द बिलो रिटन रिक्वायरमेंट टू टेक द टेस्ट विदाउट एनी इंटरप्शन। अगर आप लोग को विप्रो के ऊपर में अगर आप लोग को कोई मटेरियल वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को विप्रो विल एनालिटिक्स के लिए। अगर आप लोग को और भी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूँगा। तो देखेंगे तो पहला गया टेस्ट द टिक टेकन टू पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप विद अ वेबकैम आपका होना चाहिए, विद मस्ट रिमेन ऑन थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज, डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन। अगर आपको इस मोबाइल फ़ोन का हेल्प नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद बोला क्या स्मूथ एंड इंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो मोबाइल का लाइक वाईफाई मोबाइल का हॉटस्पॉट का, तो आप लोग ट्राई करो आप लोग MB वगैरह भरा कर रखो। ठीक है, क्योंकि बीच में अगर थोड़ा सा भी इंटरप्ट हुआ तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। उसका आपका यूज़ ओनली विंडोज 7 एंड अबव मैक ऑपरेटिंग सिस्टम असेसमेंट। ठीक है, आपका विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 चलेगा। ठीक है, और मैक OS भी। इंश्योर दैट यू हैव वेबकैम एंड माइक्रोफोन कनेक्टेड टू प्रियर असेसमेंट टू दी अपॉर्ड डिले। उसके बाद आपको बोला गया यू मस्ट नॉट इंटरप्ट बाय कंपनी और फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और एनीवन एल्स ड्यूरिंग द टेस्ट सेशन। तो इस बार इन्होंने बहुत टाइट कर रखा है, आप लोग शायद चीटिंग नहीं कर पाओगे या फिर बहुत लोग ऑनलाइन में कवर करोगे तो आपका इसकी मैं बताऊँगा इस डिटेल्स में। ठीक है, इनका अपना सॉफ्टवेयर है, देखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका लॉकडाउन देख सकते हैं लॉकडाउन ब्राउजर आपका पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी आप लोग हिलोगे तो आप लोग का प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसका मैं बात कर लेते हैं आपका यूज़ ऑफ एनी स्टडी मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीडिया इंटरनेट इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट आपका 128 मिनट का टेस्ट होने वाला है पोस्ट कंप्लीशन विच विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड। अगर आपका मान लो कि अगर आपका बीच में ही कट हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद इन्होंने कहा है कि यू मे नॉट टेक टेस्ट एज पर योर कन्वीनियंस एट योर लोकेशन द प्री एलोकेटेड डेट एंड टाइम। मतलब कि यू मे टेक द टेस्ट एज पर योर कन्वीनियंस एट योर लोकेशन एट द प्री एलोकेटेड डेट एंड टाइम। आप लोग को पहले से एलोकेटेड आपको कर देंगे डेट एंड टाइम। ठीक है, डिटेल्स ऑफ असेसमेंट विल बी शेयर्ड बिफोर असेसमेंट थ्रू मेल। मतलब आपका जो असेसमेंट होगा वो आपको एग्ज़ाम के पहले आएगा। ठीक है, उसमें आपका डेट एंड टाइम मेंशन होगा। प्लीज़ इंश्योर यू डाउनलोड एंड सेटअप ब्राउजर फ्रॉम द बिलो लिंक वेल इन एडवांस बिफोर द टेस्ट सेटअप स्टेप्स टू डाउनलोड लॉकडाउन ब्राउजर। इसका नाम ही है लॉकडाउन ब्राउजर। ठीक है, आई थिंक लॉकडाउन की वजह से इसका नाम लॉकडाउन ब्राउजर पड़ा है। एड इन असेसमेंट मैनुअली इफ़ यू आर फाउंड टू बी अवॉयडिंग एनी ऑफ द अबव इंस्ट्रक्शन और इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस विच इंक्लूड चीटिंग और एनी अटेम्प्ट टू चीट यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द टेस्ट। ठीक है, प्लीज़ इंश्योर टू नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एज पर पेपर और प्रिंट। ठीक है, आप लोगों को मतलब अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको लिख लेना है पेपर और प्रिंट बोर्डिंग पास बिफोर रनिंग असेसमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, टू डाउनलोड इसमें आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक करोगे आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, उसको अपने सिस्टम पर डाउनलोड करना है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे आपके सामने वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। जो लोग मैक यूज़र है वो लोग मैक यूज़र डाउनलोड कर सेव कर देता हूँ उसे। ठीक है, तो ये 97 MB का है। ठीक है, फिर आपको सिंपली यहाँ पर इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो रहा है और जो लोग मैक यूज़र है वो लोग मैक ये वाला डाउनलोड कर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है इंग्लिश इंडस्ट्री स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद देखेंगे तो आपका ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा जिस पर आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे हम लोग TCS में दिए थे वैसे ही इसमें भी अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। देखेंगे जब आपका इंस्टॉलिंग हो रहा है अभी, ये तो टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ आपका बोर्डिंग पास। ठीक है,
उसके बाद आपको अपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, ठीक है। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ पर जाना है, लॉगिन करना है अपने आपको आईडी से, तो आपको देखने को मिल जाएगा बोर्डिंग पास फॉर्म, ठीक है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा था कि प्लीज़ डाउनलोड द बोर्डिंग पास बाय क्लिकिंग हेयर बोर्डिंग पास, ठीक है। तो आप लोग को बोर्डिंग पास, वो लोग का असेसमेंट लिंक अलग होता है। अब आप लोग बोलोगे सर मेरा मेरा शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, लाइक यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपका इवेंट डेट और रिपोर्टिंग टाइम आपका नहीं शो करेगा। तो आप लोग को दिक्कत लेने की बात नहीं, क्योंकि आप लोग का जो मेल आया, जैसे इन्होंने इस पॉइंट में कहा था कि डिटेल्स ऑफ असेसमेंट विल बी शेयर्ड बिफोर द असेसमेंट थ्रू मे ईमेल, तो आपको भी अपडेट हो जाएगा, यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आपका कुछ ही दिनों में जब वो सभी को सेंड कर देगी, तो आपका एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवा देगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 7 डेज या फिर 6 डेज या 5 डेज के अंदर में भी वो आपको मेल सेंड कर देगी। इसमें आपका असेसमेंट लिंक रहेगा, उस समय आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इस बोर्डिंग पास कहाँ शो करना ये नहीं, लेकिन हाँ अपने हाथ में अपने आधार कार्ड जरूर रखिए, क्योंकि आधार कार्ड दिखाओगे तो ही आपका होगा, क्योंकि ये माई एमकेट प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, तो वो आपका वेरीफिकेशन करेगी, लाइक आपका आधार कार्ड आपका विजिबल होना चाहिए, ठीक है। आपका फोटो वगैरह अच्छे से दिखाइएगा। इसके बाद में एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, आप लोग अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जब असेसमेंट मेल आ जाएगी तब, ठीक है। तो आप लोग अपना मेल वगैरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आपका मेल देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो लोग का सिलेक्शन हुआ है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो चुका है, उन्हीं लोग का आ रहा है। बहुत लोग का रिजेक्शन मेल आया था, तो उन लोग भी, वो लोग का आई थिंक सिलेक्शन मेल नहीं आएगा, लाइक विप्रो का बोर्डिंग पास, ठीक है। देखेंगे तो ये भी यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर फिनिश में क्लिक कर देना है, ठीक है, ठीक है। आप उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको जब आपको असेसमेंट लिंक आएगा, तो आपका वो ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसको ओपन करने के बाद आपको उसमें क्लिक कर देखेंगे, तो जैसे ही मैं इसे ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर देखने में मिलता है दिस प्रोग्राम ओनली कैन ओनली बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ लिंक इन अनदर ब्राउज़र, मतलब आपको जब वो लोग लिंक सेंड करेंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और जब ये असेसमेंट लिंक आ जाएगा तो मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना सके ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो का वेट कीजिएगा, जब वो असेसमेंट लिंक आ जाएगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहे इसके रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट से जरूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि ये भी आपका TCS की तरह ये भी थोड़ा सा आपका प्रोटेक्टेड एग्जाम होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि चीटिंग वगैरह करने का ट्राई मत करो, क्योंकि थोड़ा सा गलती के लिए आपका विप्रो भी हाथ से चला जाएगा। जिन लोगों का TCS में हो चुका है, उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का लास्ट ऑप्शन विप्रो है, तो आप लोग अच्छे से इसमें पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो। मैं अपने अपकमिंग वीडियो में आपके लिए मैं छोटे छोटा लाइक आपके लिए क्रैश क्या बोलते हैं उसको PDF वगैरह लेके आ जाऊंगा, कि आप उसको देख प्रैक्टिस करके भी आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा, फिर वीडियो आपको अच्छे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपको दूसरे किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।